हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल हैविंग फोर इक्वल डिविजन्स इन ईच सेंटीमीटर। व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस इज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल एंड द ऑब्जेक्ट पिन इज केप्ट एट 45 सेंटीमीटर मार्क। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ओवरलैप्स विद इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 135 सेंटीमीटर मार्क। In this experiment, the percentage error in the measurement of the focal length of the lens is. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as lens formula, that is 1 upon V minus 1 upon U equals 1 upon F. इसका यूज हम यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ उसके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। साथ में हम यहाँ पे जो हमारे पास परसेंटेज एरर होती है उसको फाइंड आउट भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव एरर, दैट इज रिलेटिव एरर। सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल, हमने इसको इंडिकेट किया, तो जो डेल है ये हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर को दिखाता है, और जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको परसेंटेज एरर का नाम देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एरर का एक ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल हैविंग अ फोर इक्वल डिविजन इन ईच सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या फिर जो इमेज की डिस्टेंस है वो किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रही है, हम उसको यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इस केस में यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमने कॉन्वेक्स लेंस को शो कर दिया, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ दे रखी है बेंच की, दैट इज 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर के बराबर। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि लॉन्ग स्केल हैविंग फोर इक्वल डिवीजन इन ईच सेंटीमीटर, यानी एक सेंटीमीटर में फोर हमारे पास यहाँ पे डिवीजन है, तो जो एरर की हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है वो 1/4 के बराबर बनेगी, यानी 0.25 सेंटीमीटर की हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबल एरर है वो हमें देखने को मिलेगी। ये हर मेजरमेंट में हम देखेंगे क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को यहाँ पे 4 डिवीजन में कन्वर्ट किया है, या 4 डिवीजन में यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो जब भी हम एरर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1/4 ऑफ द जो हमारे पास यहाँ पे इक्वल डिवीजन है उसको हम डिवाइड करके यहाँ पे जो हमारे पास मिनिमम एरर पॉसिबल हो सकती है उसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 0.25 सेंटीमीटर। व्हाइल मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस इज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल एंड ऑब्जेक्ट पिन इज केप्ट 45 सेंटीमीटर मार्क। हम ये मान के चलते हैं सपोज हमारे पास वो पॉइंट है जहां से हम जो लेंस पे या फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी यहाँ से जो हमारे पास बेंच मार्क है उसको, उसकी जो लेंथ हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जो लेंस है हमारे पास ये हमने इस मार्क से 75 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और जो ऑब्जेक्ट है इस मार्क से हमने यहाँ पे 45 सेंटीमीटर की लेंथ पे रखा हुआ है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। नाउ यहाँ पे हमें पता है हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, और हमें पता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेंस की जो लेंथ है वो 75 है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है वो 45 सेंटीमीटर पे हमने रखा हुआ है। सो वी कैन से हियर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी गिवन एज, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी गिवन एज, यहाँ पे हमारे पास इसकी लेंथ हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे एक और बात ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक सेंटीमीटर को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हर एक मेजरमेंट में हमारे पास 0.25 का एरर हम पॉसिबल यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यानी प्लस माइनस 0.25 का यहाँ पे एरर प्रोड्यूस होगा इस पर्टिकुलर मेजरमेंट में, और इसमें से हम यहाँ पे 45 को माइनस करेंगे तो दैट विल बी 45 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू तो 30 आ जाएगी, और साथ में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो एरर प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगी, तो हम दोनों जो एरर है उसको ऐड करेंगे, दैट विल बी गिवन एज 0.50 सेंटीमीटर, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें हमारे पास ये तो हो गई ओरिजिनल वैल्यू, ये हो गई इसमें जितनी एरर प्रोड्यूस हो रही है, यानी यू प्लस माइनस डेल यू की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर दी। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी मेंशन कर रखी है, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ओवरलैप्स विद द इमेज पिन दैट इज केप्ट एट 135 सेंटीमीटर मार्क, यानी हमारे पास जो हमने इमेज की पोजीशन यहाँ पे
रखी हुई है वो 135 सेंटीमीटर के बराबर रखी हुई है। तो अगर हम देखें हमारे पास ये जो बेंचमार्क हमने सेट किया था वहां से 135 सेंटीमीटर की लेंथ पे इमेज है, तो 75 तो ये हो गया, तो इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पे हमारे पास जो टोटल लेंथ आएगी वो 60 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये इमेज बनेगी हमारे पास, तो इमेज की लेंथ इस बेंचमार्क से 135 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो लेंथ निकल के आएगी दैट विल बी 135 में से जो लेंस की लेंथ है हम उसको माइनस कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी गिवन एज, यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू 135। अब हम इसमें भी प्लस माइनस 0.25 का एरर लेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारे पास लेंस की लेंथ है दैट इज 75 प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर, दोनों को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू आ जाएगी वी प्लस माइनस डेल वी विल बी गिवन एज 60 प्लस माइनस 0.50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पे इमेज की जो लेंथ है वो हमने कैलकुलेट कर दी। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास जो फोकल लेंथ है उसकी रियल वैल्यू और ट्रू वैल्यू कितनी आ रही है, उसके लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/VF = 1/V - 1/U के बराबर। जो V की वैल्यू है ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर के बराबर आ गई, U की जो वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस यहाँ से हम ओरिजिनल जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, LCM हमारे पास 60 के बराबर आ जाएगा एंड माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी गिवन है 3/60। यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास प्लस 20 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एरर निकालनी है, तो एरर निकालने के लिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव मेथड का यूज करेंगे दैट विल बी गिवन एज 1/F = 1/V - 1/U। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें ये आ जाएगा -1/F² dF के बराबर, ये आ जाएगा -1/V² dV के बराबर और माइनस माइनस का प्लस ये आ जाएगा 1/U² dU के बराबर। हम एरर मैक्सिमम वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम मेजरमेंट के लिए जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो बनता है उसके लिए एक्यूरेसी कैलकुलेट करना आसान हो जाता है हमारे लिए, इसलिए हम सारी एरर को एडिशन में ही यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो df/F², इसकी जो वैल्यू होगी ये हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज एरर हमें निकालना है तो इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं df/F (dV/V² + dU/U² × 100। यहाँ पे हम परसेंटेज एरर निकाले इसलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फोकल लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, फोकल लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर के बराबर है, dV की जो वैल्यू है 0.50 के बराबर है, V की वैल्यू 60 थी इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाएगा। इसी तरीके से dU की वैल्यू यहाँ पे 0.50 के करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे और यू की जो वैल्यू थी वो 30 थी इसका स्क्वायर करेंगे तो 900 आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी दोनों जीरो से, दोनों जीरो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं और ये आ जाएगा 1/0.50। अगर हम इसको लिखें तो ये आ जाएगा 1/2 के बराबर, यानी वैल्यू आ जाएगी 10 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/36 + 1/9 के बराबर। नाउ LCM अगर हम लें तो ये 36 आ जाएगा, दिस विल बी गिवन एज 4। सॉल्व करें अगर हम इस वैल्यू को तो दिस विल बिकम 50/36। नाउ अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करके लिखें जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में हमारे पास आ जाएगी, दिस विल बी गिवन एज 1.388 जिसको अप्रोक्सीमेट 1.39% हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 1.39%। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।